हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन एंड दिस इज आयुष तिवारी। गदर ने तो आकर धमाल मचा ही दिया था, लेकिन गदर टू ने आकर जिस तरीके से एक नया माहौल बनाया है सिनेमा घरों में, वो कुछ अलग ही का माहौल है। क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अब OTT ने अपने पैर जमा लिए हैं और सिनेमा घरों के पर्दों को अब ताले लग चुके हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि गदर टू ने आते ही जिस तरीके का पर्दे पर कमबैक किया, उसके बाद ये साल फिल्मों का रहा है, क्योंकि यहाँ से सारी फिल्में हिट जा रही है। जी हाँ, मैं मानता हूँ कि पठान ने एक अलग रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन पठान से गदर टू के बीच में कहीं ना कहीं गैप हो गया था, जिस गैप को पूरी तरीके से फुलफिल कर दिया है गदर टू ने। और उसके बाद तो जो सारी फिल्में उन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया, जवान की बात करूँ या फिर मैं ड्रीम गर्ल टू की बात करूँ। लेकिन हाँ, जब मैं ड्रीम गर्ल टू की बात करता हूँ तो हमारे ख्याल में आते हैं हमारी पूजा, यानी कि आयुष्मान खुराना। जी हाँ, आयुष्मान खुराना ने भी एक ऐसी फिल्म अब ज्वाइन कर ली है जिसका पूरे हिंदुस्तान को बेसब्री से इंतजार है। जी हाँ, बात कर रहा हूँ मैं बॉर्डर की। बॉर्डर एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर में हमने बॉलीवुड के उन सभी एक्टर्स को देखा था जिन्होंने अपनी शानदार परफॉर्मेंस देकर हम सभी का दिल जीत लिया। अगर दोस्तों जब मैं बात करता हूँ बॉर्डर की, तो हमको एकदम से फ्लैशबैक में जाकर देखते कि हम मतलब जितनी बारीक एकदम इतनी बारीकी से उस फिल्म में काम किया गया था, जिस तरीके से कास्टिंग की गई थी, जिस तरीके की लोकेशन थी, जिस तरीके के गाने थे, जिस तरीके के सीन थे, अगर छोटी छोटी बारीकों पर भी जाकर देखें तो एक प्यारी सी खुशबू और एक प्यारा सा सुगंध मिलता है। लेकिन एहसास होता है कि हाँ, जी हाँ, इस तरीके की फिल्में कहीं ना कहीं हम मिस करते कि हाँ, अब फिर से हमें पर्दे पर हमारे टेलीविजन पर ऐसी फिल्में देखने मिले जो हमें बैठने पर मजबूर कर, जहाँ से हम अपने मतलब पैर ना उठा पाए कि फिल्म कब खत्म होगी, कब शुरू होगी, क्या होगी, ऐसा एक्साइटमेंट हमारे मन में बना रहता है। कुछ इस तरीके की फिल्म थी बॉर्डर, और इस बॉर्डर फिल्म को पूरे हिंदुस्तान ने प्यार दिया था। वो फिल्म बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट रही थी। लेकिन अब जल्दी हम सभी के बीच में बॉर्डर 2 आने वाली है। प्रोड्यूसर भूषण कुमार और JP दत्ता की टीम शुरू हो चुकी है, इस कहानी के पीछे भिड़ चुके हैं, और जल्दी हम सभी के बीच में बॉर्डर 2 लेकर आएंगे। लेकिन सनी देओल को ज्वाइन कर लिया है आयुष्मान खुराना। जी हाँ, वर्सेटाइल एक्टर जो अपने आवाज, अपने टैलेंट, अपने हुनर के लिए इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाकर बैठे हैं, अब ये एक्टर भी हमें बॉर्डर 2 के अंदर में नजर आएगा। और बॉर्डर की जिस तरीके से कास्टिंग आपने देखी थी कि उस समय के जितने भी बड़े बड़े कलाकार थे, हमने सभी को बॉर्डर के अंदर में देखा गया था, और हमें ऐसा लग रहा था कि भाई अब बॉलीवुड के सारे एक्टर्स यहाँ पर तो शायद अब कोई फिल्म नहीं आएगी जिस तरीके से आप हमने कैरेक्टर्स देखे थे। तो अब देखना होगा कि बॉर्डर 2 के अंदर हमें कितने सारे स्टार्स और क्या कुछ देखने मिलेगा, किस तरीके की कहानी होगी। और जिस तरीके से गदर 2 ने आकर गदर मचाया था, उसी तरीके से बॉर्डर 2 भी आकर कितना कुछ धमाल मचाए कि क्या कहानी होगी, किस तरीके के कैरेक्टर होगी, क्या कुछ होंगे। लेकिन भाई जो भी होगा, पर्दे पर फिर से एक नया धमाल होगा। तो क्या लगता है बॉर्डर 2 के अंदर कौन सी क्या कास्ट होगी, और आप किसे बॉर्डर 2 के अंदर देखना चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।